गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वाइन टू बोल रहा हूं, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस आज हम एक टीवी एड की शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरा सेटअप पीछे लगा हुआ है और ज्वाइन टू बॉलीवुड के स्टूडेंट लोग भी वहां पीछे शूटिंग देख रहे हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस मैं आपको पूरे शूटिंग दिखाता हूँ, व्लॉग दिखाता हूँ, व्लॉग में कवर करता हूँ कैसे शूट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है शूट पे। मैंने टीवीसी ऐड का शूट है, मैंने कुछ दिन पहले J2B कास्टिंग पे डाला भी था कि मेरी रिक्वायरमेंट है आर्टिस्ट लोग की, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया और काफ़ी लोग उसमें काम भी कर रहे हैं इसी टीवी ऐड में। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ कोविड का सेटअप लगा हुआ है, जब भी आप शूट पे आएंगे तो आपका सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, देन आपको सैनिटाइज किया जाएगा, देन आप शूट पे एंट्री आपकी होगी। आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप रेडी हो रहा है और ये देखिए ये जो हम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बुल्लर हाउस है जो मुंबई में है, मड में है, जहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स हुई हैं। रेडी हो चुका है, अब हम लोग टेक लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलो रेडी साइलेंस प्लीज। ठीक है एक्शन पे आपको वो डर वाला रिएक्शन देना है ना। चलिए ओके रेडी। ज्वाइन टू बॉलीवुड के स्टूडेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं लाइव शूटिंग पे देखने, क्योंकि गाइस जब तक आप लाइव देखते नहीं हो लाइव शूटिंग होती कैसे है, शूट कैसे करते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आता मुझे एक्टिंग करनी कैसे है। आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट जो हैं एक्टिंग के स्टूडेंट हैं जो लाइव शूट पे आए हैं और शूटिंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक एक्टर कैसे एक्ट करता है कैमरे के सामने और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है शूटिंग पे। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक एक्टर बनने आ रहे हैं। तो गाइज़ बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मुंबई में हैं जो आपको ये लाइव एक्सपीरियंस नहीं कराते हैं, बट गाइज़ ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक्टर बनने आ रहे हैं आपको पता ही नहीं होगा कि शूटिंग कैसे होती है, अगर आपने लाइव शूटिंग देखी नहीं है, सारे इंस्टीट्यूट आपको लाइव शूटिंग पर लेके नहीं जाते। ज्वाइन टू बॉलीवुड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइव शूटिंग पर लेके जाता है और लाइव सब कुछ टेक्निकली चीज़ सिखाता है, बताता है और आपको पूरा गाइड करता है। तो गाइज़ ये बहुत हेल्प करता है एक एक्टर बनने में आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ देख पाते हो, समझ पाते हो। तो गाइज़ आप देख रहे हैं कि एक ही सीन को कितनी बार शूट किया जा रहा है। तो गाइज़ अगर आप एज आर्टिस्ट बॉलीवुड में आ रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि डायरेक्टर आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार, जब तक उसको अच्छा नहीं मिलेगा तब तक वो आपसे सीन करवाता रहेगा, क्योंकि उसको फाइनल जब तक नहीं मिलेगा वो आपसे वही सीन कराता रहेगा। तो आपको पेशेंस रखना होगा और अपना अच्छा देने का ट्राई करना होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आर्टिस्ट लोग हैं वो कैमरा के सामने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि कोई है नहीं सामने। तो गाइज यही होता है, आपको इमेजिन करना होता है कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आप उनसे बात कर रहे हैं, यही है एक्टिंग। आपको रियल में फील करना होता है कि हाँ सच में कोई बैठा हुआ है। आप देखिए वो प्रोडक्ट दे रहे हैं बट वहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन वो कैमरे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो फील कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई है और जिनसे वो बात कर रहे हैं। तो गाइज यही है, आपको इमेजिन करना होगा, इमेजिन पावर बढ़ानी होगी। मैंने इमेजिनेशन के ऊपर पार्ट्स बना रखे हैं एक्टिंग के, अगर आपको नहीं पता है तो जाके एक बार देखो समझो, क्योंकि अगर आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं तो आपको इमेजिनेशन करना आना ही चाहिए। आप देख सकते हैं ये उसी सीन का ये क्लोजअप ले रहे हैं, आपने जो इससे पहले सीन देखा था उसमें वो लोग प्रोडक्ट सबको दे रहे थे कैमरे के सामने, जैसे उसी का क्लोजअप है। यहाँ पे कोई भी नहीं है और ये ऐसा फील कर रहे हैं कि सब इनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं पेन भी फूल कर रहे हैं, सबको लुक भी दे रहे हैं, सबको लुक दे रहे हैं जैसे आपने देखा पिछले शॉट में। तो गाइस यही होता है कि आपको फील करना होता है, इमेजिन करना होता है और आपको परफेक्ट शॉट देना होता है गाइस, तभी आप एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे। तो गाइस फाइनली काफ़ी अच्छा टेक हुआ। तो गाइस यही है एक्टिंग, आपको मैं लाइव शूटिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीख सकें, समझ सकें। तो गाइस ज्वाइन टू बॉलीवुड का मकसद यही है कि आपको घर बैठे एक्टिंग सिखा सकें, आपको परफेक्ट कर सकें और बॉलीवुड में एक अच्छा रास्ता दिखा सकें।
आई होप गाइज आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज हम लाइव शूटिंग पे अपने स्टूडेंट लोग को इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि जो एक्टिंग के स्टूडेंट होते हैं जब तक वो लाइव शूटिंग नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकली चीज नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि भाई शूटिंग में हमें कैसे काम करना है। क्योंकि एक्टिंग क्या है, प्रैक्टिकल करने की चीज है, तो हम प्रैक्टिकली शूटिंग पे लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि एक्टर लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेक्निकली हम लाइव शूटिंग पे अपने स्टूडेंट लोग को सिखाते हैं, बताते हैं। आपने देखा जॉइंट टू बॉलीवुड के स्टूडेंट हैं जो लाइव शूटिंग गए तो उन्होंने काफी सीखा, उनका रिव्यू मैंने इससे पहले एक वीडियो भी डाला है, उन्होंने रिव्यू भी दिया है कि उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी भी हैं। तो गाइस यही होता है, तो गाइस मैं इसलिए व्लॉग मैंने बनाया क्योंकि वो लोग तो सीख ही रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप भी इनसे कुछ सीख सकें इस वीडियो से। गाइस हमारा ये मकसद है कि आप घर बैठे एक्टिंग सीखें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और हमारी ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी हैं। आपको पता होगा मैंने यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे पार्ट वाइज पूरे हमारे पार्ट हैं एक्टिंग के, जहां पूरे अगर आपने पार्ट देखे तो आप फ्री में घर बैठे एक्टिंग सीख सकते हैं। तो गाइस एक्टिंग क्या है, प्रैक्टिकल करने की चीज़ है, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये आपके प्रैक्टिस करने से होगा। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ भाई ऐसे नहीं, ये गलती है, ऐसे करो, लेकिन एक्टिंग जब तक आप खुद से नहीं करोगे, खुद से टाइम नहीं दोगे, आप कभी एक्टिंग नहीं सीख पाओगे। एक्टिंग कोई किताब पढ़ने वाली चीज़ नहीं कि आपने पढ़ ली आपको आ गई, ये प्रैक्टिकल करने से होगी। तो गाइज मैं जॉइन टू बॉलीवुड चैनल पे स्क्रिप्ट इसलिए डालता हूँ डेली कि आप उसको देखो, प्रैक्टिस करो, उससे कुछ ना कुछ सीखो, नए नए करेक्टर को जानो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप घर बैठे यार कुछ ना कुछ सीख सको और आगे बढ़ सको, बॉलीवुड में एक नाम कमा सको, एक नाम हासिल कर सको। यार मेरा मकसद यही है कि आपको आगे बढ़ाना, और जितना भी होता है ऑडिशन अपडेट हो चाहे कास्टिंग अपडेट हो, जो भी मेरे को लगता है कि आपके लायक है, मैं अपने इंस्टा पेज पे शेयर करता हूँ, उसके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारा J2B कास्टिंग का पेज को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, वहाँ बहुत सारे ऑडिशन अपडेट आते रहते हैं जिससे आपको बॉलीवुड के हर एक ऑडिशन बारे में पता चलता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे डेली ऑडिशन अपडेट के लिए गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक किए। काफ़ी लोगों ने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है और वो कहते हैं सर हमको आपके वीडियो का पता चलता नहीं है। भाई बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा आपको पता? तो गाइज प्लीज यार बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना, तभी मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूँ, आपको सिखाता रहूँ। प्लीज यार कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक। जय हिंद, जय भारत।